हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलो देखते हैं जापानीज विलेज एंड फार्मिंग पार्ट टू। साइकिल से जाते जाते छोटा सा नाला दिखा रोड के साइड में, और उसके साइड में बहुत अच्छे फ्लावर्स थे, तो मैंने सोचा चलो कैप्चर कर लेते हैं। ये देखिए कितने मस्त फ्लावर्स है। और ये यहाँ पे हर जगह को आपको देखने मिलेंगे, सीजन वाइज अलग अलग रहते हैं। ये यहाँ पे छोटा सा खेत है, उसके बगल में छोटे छोटे फ्लावर्स है। एक यहाँ पे कोई एक छोटा किसान है, वो शायद प्याज के छोटे छोटे पेड़ है, प्याज के पेड़ों में से कुछ निकल रहा है। और ये बगल में ही उनके घर है, तो ऐसे रहते कि उनके घर और बगल में ही खेती। तो ये जापानीज विलेज से गांव है। एक कुछ छोटा सा व्यू आपके लिए साइकिल चलाते हुए, आप देख सकते हैं दोनों साइड खेत है, लेकिन बीच में रोड देखिए कितना अच्छा है। और ये यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। ये देख सकते हैं आप, राइस है, भात का खेत है, बहुत अच्छा है। और अभी आप कुछ दिन बाद ये काट लेंगे, उसको निकल देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से व्यू है, घर है, खेती। और मोस्टली ये जापानीज लोग बस राइस ही खाते हैं, ज़्यादातर तो ये नॉनवेज खाते हैं, तो उसके लिए राइस ही उगाते हैं। तो राइस के अलावा आपको गेहूँ या बाकी इधर से दाल वगैरह यहाँ पे नहीं उगाते ये लोग, मोस्टली राइस ही लगाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा व्यू है, वाह बहुत अच्छा। और यहाँ पे ऐसे साइकिल पे या पैदल भी घूमो आप तो बोर नहीं होंगे, बहुत अच्छा लगता है। और आज हम तो साइकिल पे आए हैं, तो सुबह सुबह निकले थे घर से 10-11 बजे, और यहाँ से घूमते घूमते आए हैं। और आगे ये छोटी छोटी खेते हैं, ये देखिए बड़े गाड़ियाँ जाती रहती यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे खेत में काम करने वाले लोग भी कितने अच्छे से रहते हैं। ये फिर हम खेत से थोड़ा सिटी में आए हैं, अभी ये सिटी क्रॉस करके आगे जाएंगे, वहाँ पे आपको गांव जैसे घर और खेत दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ के सिटी व्यूज़ कैसे रहते हैं, रोड देखिए कितने अच्छे अच्छे रहते हैं। घूमते घूमते बारिश का मौसम हो गया, आप देख सकते हैं काले काले बादल और एक शानदार जापानीज होम। और जस्ट घर के सामने ये देखिए उनका खेत, खेत में आलू के पत्ते हैं, और आप देख सकते हैं वहाँ पे एक आदमी काम कर रहा है, कुछ तो लगा रहे हो नए नए पौधे या कुछ तो खाने की चीज़ें का है। ये देखिए कैसे घर, और घर के सामने उनका गार्डन, गार्डन में खाने की चीज़ें। और यहाँ पे बारिश का मौसम बनते हुए हमें जल्दी घर पर निकलना होगा। चलो निकलते निकलते आपको और दिखाते हैं आगे का व्यूज़। अभी हम जस्ट खेत में से जा रहे हैं, तो आप व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा है। ये उनकी खेती रहती है, जापानीज लोगों की खेती, आप देख सकते हैं छोटे छोटे प्याज, एक कुछ तो मूंग दाल का है शायद, बस हरा भरा। अभी यहाँ पे समर चल रहा है, फिर भी आप देख सकते हैं कितना ग्रीन ग्रीन है। आगे हमारी मैडम चल रही है, व्यू तो ऐसा लग रहा है कि वाह बेस्ट। अभी थोड़ी देर में बारिश हो गया, ऐसा लग रहा है, आप देख सकते हो कितना अच्छा है। साइकिल पे जाने का मज़ा ही कुछ और है, साइकिल ले लो बस निकल पड़ो। आप देख सकते हैं फूल कितने अच्छे हैं। आगे से हमें राइट जाना है अभी, तो ये देखो बगीचे के लिए कुछ बाउंड्री लगाई उन्होंने, शायद ये कुछ अलग ही फ्रूट से। ओके ये अंजीर का है, ये देखिए अंजीर के पेड़ कैसे हैं। ये यहाँ पे कुछ अलग ही एप्पल है शायद, उधर ये छोटे छोटे, ये अंजीर के पेड़ अलग है। ये देखिए व्यू, वाओ।
ये देखिए नए नए घर, नए नए स्टाइल के घर और उनके खेत, जस्ट खेत के पास ही उनका मकान। और यहाँ पे छोटा सा बगीचा है, आप देख सकते हैं। अभी हम थोड़ा आ गए विलेज साइड में, तो यहाँ पे थोड़ा रोड कच्चा है, आगे जाके अच्छा दिख रहा है। और ये अभी पूरा बारिश का मौसम बन चुका है, अब हम घर जल्दी निकल रहे हैं, जाते जाते शायद हमें बारिश ना लग जाए। जापान में एक चीज़ ज़रूरी है कि जब भी आप बाहर निकलते हो तो छाता, वाटर बैग लेके ही निकलिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि कभी भी बारिश आता है। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे घर है, वाइट कलर्स, बाउंड्री कंडीशन, गाड़ियाँ देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे स्क्वायर टाइप में रहते हैं और हाइटेड रहते हैं, 2-3 फ्लोर एवरेज रहते हैं, बहुत बढ़िया देखने में, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ये देखिए कुछ रो हाउस टाइप जैसे है। हमारी मैडम आगे चल रही है। यहाँ के घर जो रहते हैं यूनिक हर कोई यूनिक स्टाइल रहता है, नए नए स्टाइल के बनाते रहते हो। कुछ घर है जो उनके पुराने स्टाइल में बनाते हैं, कुछ घर पूरा नया ही। तो ऐसे लगता है कि हम जापान में हैं, लेकिन पूरा वेस्टर्न कल्चर उन्होंने फॉलो किया है। ये देखिए मस्त रो हाउस जैसे है, नज़ारा बहुत अच्छा है। वाओ कितने अच्छे घर है, देखिए ऐसे घरों में भी रहने का कुछ और ही मज़ा रहता है, काश हम ऐसे घर ले पाते। ये कितना शानदार घर है और एटमॉस्फेयर भी कितना अच्छा है। ये देखिए बहुत ही यूनिक से घर, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। और बगल में ही खेत, वाह देख के मज़ा ही आ गया। अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए। ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए नए सेशन में हम नए नए चीज़ें आपको दिखाने चाहेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। तो निकलते हैं हम अभी घर के लिए। चलो दोस्तों, बाय बाय।